2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में चौथे चरण को लेकर उन्नाव में मोहान विधानसभा सीट से समाजवादी गठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर आंचल वर्मा ने आज नामांकन कराया। हम इससे बात करेंगे। मैडम, आज आपने समाजवादी गठबंधन की प्रत्याशी है नामांकन कराया है। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है मोहान है, क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर आप मैदान में उतरी हैं? जी बिल्कुल, समस्याएं आपका विकास है, जो विकास इतने दिनों से नहीं हुआ है। 5 साल की भाजपा सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया, जिसमें लोग परेशान हैं। सड़क नहीं है, सड़क इतना ख़राब है कि शायद हम कैंपेनिंग करते टाइम जाते हैं और इतने झटके मिलते हैं कि वो समझ में आता है जी। और दूसरा है कि ना तो कोई आपका स्वास्थ्य व्यवस्था है वहाँ पे, और मेन तो किसान जो हैं वो परेशान हैं आपके खुले जानवर से जी। आप खुद भी एक वेल एजुकेटेड हैं, आपने BDS शायद किया हुआ है, डॉक्टर हैं आप, ऐसे में क्या जरूरत पड़ी कि राजनीति में उतरने की? बैकग्राउंड जहाँ तक आपका है, फादर आपके बनारस में सुहेल राजभर की पार्टी से शायद विधायक भी हैं, तो आपका आना क्या वजह रही जो आप इसमें राजनीति में कदम रखा? पहली बात तो ये कोरोना काल ने जो है ये बहुत सिखाया कि राजनीति में डॉक्टर्स का उतरना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि हम सबको हक दिला सके, एक डॉक्टर को भी और एक पेशेंट को भी उसका हक दिला सके, उसके लिए हमें उतरना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप मैदान में उतर के आती है, मोहान विधानसभा क्षेत्रों में जाती हैं, तो तमाम समस्याएं निकल के आती हैं। अगर आप विधायक बनती जिस तरह से आप काम कर रही हैं, तो पहली क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी जिस पर आप वर्क करने वाली? पहली प्राथमिकता ये होगी कि मैं खुद स्वास्थ्य विभाग से हूँ, तो पहले स्वास्थ्य विभाग को मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगी। फिर शिक्षा पे मैं बहुत फोकस करूँगी कि हमारे विधानसभा के बच्चे भी डॉक्टर IAS इंजीनियर बने उन जी, और बाकी अन्य समस्याएं भी ज़रूर देखी जाएगी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर आंचल वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी की गठबंधन प्रत्याशी हैं मोहान से, और खुद पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपने ज्वाइन किया समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी से 2022 के इलेक्शन में मैदान में, हालांकि इनकी ये प्रत्याशिता इनको जीत तक पहुंचाएगी तो आने वाला ही वक्त बताएगा। विजिलेंस लक्ष्य निगम के साथ सलमान शफीक, न्यूज़ वाला UP, उन्नाव।